देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके कंपनी का जो कोर्स है वो बता देता हूँ। पहले तो पहला चैप्टर जो है बेटा, छोटा सा थ्योरी का गिवन है, कंपनी क्या होती है, कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद में है इशू ऑफ शेयर्स, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, और तीसरा है इशू ऑफ डिबेंचर, देयर इज नो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप लोगों से मैं क्वेश्चंस पूछते जाऊंगा, आप लोग मुझे आंसर देते जाइएगा। देखिए थ्योरी यूं कवर हो जाएगी हमारी, और बाकी पढ़ना हो तो यू हैव द बुक, ठीक है। कभी मन हो कि आज थ्योरी पढ़ूंगा, सुबह उठना हर एक पेज को पढ़ना, आपको वही के वो पॉइंट याद आएंगे जो अपन ने ट्वेल्थ में पढ़े थे और अपन ने क्लास में जो डिस्कस किए थे। सिर्फ मैं इधर देखो, कमर एकदम सीधी, जवाब बराबर एकदम अटेंटिव मैनर के साथ, ठीक है। व्हाट इज कंपनी? सर कंपनी का मतलब ऐसा कोई एसोसिएशन जिसका कि कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले जो कंपनीज एक्ट चला करता था उसमें उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो, हर वो एसोसिएशन क्या बन जाएगा? कंपनी। ये तो हो गई लॉफुल तरीके से दी गई डेफिनेशन। लेकिन अगर बड़े बड़े राइटर्स की बात की जाए तो बहुत सारे प्रोफेसर हुए, बहुत सारे राइटर हुए जिन्होंने अपने को कंपनी को डिफाइन करते हुए कहा। लेकिन वन ऑफ द गुड एंड बेस्ट डेफिनेशन आई वुड से प्रोफेसर हेने, नाम सुना होगा, 12th क्लास में पढ़ा था। प्रोफेसर हेने ने कंपनी को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आपको याद आएगा, देखिए सारी बातें याद आएगी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय गॉड हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ कॉमन सी। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आप और मैं, हम लोग तो है नेचुरल पर्सन, लेकिन कंपनी का जन्म बायोलॉजिकल तरीके से ना होकर एक कंपनी को पर्सन ने बनाया, इसका मतलब कि कंपनी लॉ के तहत बनाया गया एक एसोसिएशन हुआ। आर्टिफिशियल इसलिए बोला गया, पर्सन इसलिए बोला गया क्योंकि ये पर्सन की तरह काम कर सकता है, मतलब वो आपके एग्रीमेंट कर सकती है, आपके साथ एग्रीमेंट वो तोड़ सकती है, मतलब वो आपके नाम से, अपने नाम से क्या कर सकती है? एसेट्स खरीद सकती है, अपने नाम से एसेट बेच सकती है, वो किसी के ऊपर केस कर सकती है, कोई दूसरा उसके ऊपर केस कर सकता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन का नाम दिया गया, सेपरेट लीगल एंटिटी। एक पार्टनरशिप की बात की जाए, एक प्रोप्राइटर की बात की जाए, तो बिजनेस और पार्टनर्स, बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर अलग नहीं है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिर भी अलग है। लेकिन अगर लीगलिटी की बात की जाए, तो अगर पार्टनरशिप फर्म की एसेट्स को बेचकर लाइबिलिटीज को पे ऑफ नहीं किया गया तो पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को बेचकर पैसा रिकवर किया जा सकता है ना? ऐसा शेयर होल्डर्स के केस में नहीं है। कंपनी की एंटिटी शेयर होल्डर से अलग है। बात समझ में आ गई? कंपनी अलग, कंपनी के शेयर होल्डर्स अलग। यानी अगर कंपनी क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, वाइंड अप हो रही है, और उसके एसेट्स को बेचकर आप अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं कर पा रहे, तो पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स विल नॉट बी सोल्ड एंड मनी कैन नॉट बी रियलाइज्ड। टेल मी यस ऑर नो? हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी को जिन्होंने बनाया, अगर उनकी डेथ हो जाती है ना, तो भी कंपनी चलती रहेगी। शेयर होल्डर्स मे कम इन और मे गो आउट, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी विल नॉट बी अफेक्टेड, बिकॉज कंपनी को बनाने वाला था कानून, लॉ। कंपनी को बनाया किसने था? लॉ। और आखिरी में क्या पढ़ा अपन ने? कॉमन सील, कंपनी का स्टैम्प, कंपनी के सिग्नेचर साइन। बात समझ में आ गई सबको? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी। अगर अपन बेसिक फीचर की बात करें तो जो डेफिनेशन में लिखा है वही कंपनी के क्या हो गए? बेसिक फीचर्स। कंपनी को बनाने के पीछे का पर्पस क्या होता है? कंपनी अच्छा पैसा जनरेट कर सकती है, बहुत सारे लोग मिलकर इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर अपन कंपनी के टाइप्स के बारे में बात करें तो बहुत तरह की कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, वन पर्सन कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटीड होती है, 50 तरह की सब्सिडियरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, बहुत सारी कंपनी होती है। लेकिन अगर हमारे कोर्स के हिसाब से देखें तो जिस कंपनी के बारे में हमें स्पेशली चर्चा करनी है वो है पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? लेकिन खैर, हम लोग कम से कम दो कंपनी के बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे? 200। समझ में आ गया? इसमें अगर पैसा लेकर आएगा तो कौन लेकर आएंगे? 200% ही लेकर आएंगे, ये पब्लिक से पैसा नहीं जुटा सकते। अगर इनको पैसा जुटवाना है तो इनको कंपनी में क्या बनाना पड़ेगा? मेंबर बनवाना पड़ेगा। और अगर 200 लोग की कैपेसिटी कम पूरी हो जाने के बावजूद भी ये फंड्स की कमी पड़ रही है तो इन्हें प्राइवेट कंपनी को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? बात समझ में आ गई? प्राइवेट कंपनी अपने नाम के अंग में क्या लगाएगी? प्राइवेट लिमिटेड। बात समझ में आ गई? एक प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं?
यार ये तो हो गई प्राइवेट लिमिटेड की बात, अपन डिस्कशन किसका करेंगे, पब्लिक कंपनी। व्हाट इज पब्लिक कंपनी? अ पब्लिक कंपनी इज दैट कंपनी व्हिच इनवाइट्स द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स शेयर। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन? मिनिमम नंबर 7। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3। प्राइवेट में कितने होते हैं? 2। मिनिमम पब्लिक में कितने होते हैं? 3। 3 कम से कम डायरेक्टर होने चाहिए। क्या पब्लिक कंपनी पैसा जुटाने के लिए पब्लिक के सामने शेयर्स सब्सक्राइब करने का न्योता दे सकती है? Yes, क्या एक पब्लिक कंपनी डिबेंचर्स इशू करके फंड जुटा सकती है? Yes, नाम ही क्या है? पब्लिक कंपनी। किसकी कंपनी? पब्लिक के। किसके पैसे चलने वाली? पब्लिक। किसके लिए चलने वाली? पब्लिक। बात समझ में आ गई है? अच्छा, कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है और कंपनी की ओनरशिप अलग होती है। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड इट्स ओनरशिप। हु आर द ओनर्स? मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनको की शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। और वैसे की वैसे भी बीओडी में जिस पर्सन के पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, वही कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एमडी जनरली बनता है कि नहीं बनता है? जनरली बोला, जरूरी नहीं। ठीक है बेटा, अगर अपन हमारे इस चैप्टर की बात करें तो हम लोग अपने इस कोर्स में पढ़ेंगे क्या, एक पब्लिक कंपनी कैसे अपने शेयर्स को मार्केट में लाती है, कंपनी को शेयर्स को इशू करने पर एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल किस तरीके से मिलता है, अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी के पैसे मांगे गए नहीं देता तो उसे फोरफीचर कर लेती है, और फोरफीचर करने के बाद कंपनियों से मार्केट में फर्दर री इशू करके पैसा जुटा सकते हैं। क्या एक पब्लिक कंपनी जब भी पब्लिक ऑफर लेकर आएगी तो क्या उसे एक प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा? ये जो प्रोस्पेक्टस है ये इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि कंपनी पैसा किसका लेगी अपने हाथ में? पब्लिक का। पब्लिक को जानने का पूरा हक है कि आपके पैसे से कंपनी क्या करने वाली है, अपनी ओल्ड लायबिलिटीज या डेट्स को खत्म करके लोगों का ऋण चुका देगी, या फिर आपके पैसे से कंपनी क्या कर रही है, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रही है, या आपके पैसे से वो बिजनेस किस तरह का करेगी, आपको जानने का पूरा पूरा हक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का नाम सुना होगा अपन लोगों ने? व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? अकॉर्डिंग टू द सेबी गाइडलाइंस, अ कंपनी कैन नॉट अलॉट इट्स शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स अंटिल अनलेस इट रिसीव्स 90% of the allowed issued shares। हमको कम से कम 90% का क्या आना चाहिए? एप्लीकेशन आना चाहिए। बेटे बात समझ में आ गई? अगर मिनिमम एप्लीकेशन कंपनी रिसीव नहीं कर पाती तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? जिन एप्लीकेंट्स ने कंपनी को पैसा दिया था वो पैसे उसे लौटाने पड़ेंगे। बेटे बात समझ में आ गई? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर मतलब पब्लिक अपने शेयर्स को जनता के सामने इशू करती है। लेकिन शेयर्स क्या होते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? पार्ट ऑफ द कैपिटल। जैसे अपन लोग रेशियो बोलते हैं पार्टनर्स का 2:1:1, वैसे ही फॉर्म की कैपिटल जो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो एक जने की नहीं होती, हो सकती है 1% कंपनी में, लेकिन अगर अपन ह्यूज लेवल पे बात करें तो कंपनी को पैसा जुटाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तो जो लोग कंपनी में अपना कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहते हैं उनको कंपनी की शेयर होल्डिंग मिलती है, जिसे क्या नाम दिया जाता है? शेयर्स। द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी, मेरे साथ बोलिए, is divided into units of small denomination. Each unit is called shares. बात समझ में आ गई? जिन पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। बात समझ में आ गई? कंपनी, पब्लिक कंपनी दो तरह के शेयर इशू करती है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर वन, नया पहली बार सुन रहे हैं आप लोग? प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जिन शेयर होल्डर्स के पास दो प्रेफरेंशियल राइट्स, दो प्रेफरेंशियल राइट्स, उन्हें क्या नाम देंगे? प्रेफरेंशियल राइट्स। व्हाट आर दीज टू प्रेफरेंशियल राइट्स? मैं बोलता हूं, हाना बताइएगा। कंपनी जब भी डिविडेंड इश्यू करेगी तो सबसे पहले डिविडेंड इन शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट टू गेट द डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर। सही बोला मैं? At the time of winding up of the company, when all the assets will be realized and all the debts will be paid off, any surplus money will be paid to the preference shareholders first. After their claim is set off, then excess money or the remaining or the balance money will go to the equity share. इसलिए preference shareholders को बोलते हैं पहले आप वाले shares, पहले आप dividend, पहले आपको। कंपनी बंद हो रही है, पैसा बचा है, पहले आपको बचा होगा वो किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर। ओके बेटा, अगर अपन लोग प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप की बात करें
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग। रटे पड़े हैं तुम्हारे को, है ना? क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब किसी साल कंपनी अगर प्रेफरेंस शेयर्स को उनका पैसा डिविडेंड का नहीं दे सके तो जितना बाकी रह जाता है वो अगले साल के साथ अक्यूमुलेट हो जाता है, इसलिए उसे क्या नाम देते हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। लेकिन जिनको ये राइट नहीं होता, रात गई बात गए, सिर्फ पुराने साल का भूल जाओ, खाली करेंट ईयर, वो भी होगा तो देंगे वरना ये भी नहीं देंगे, तो ये कौन से होते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव। जनरली प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं क्यूमुलेटिव। जनरली क्या होते हैं? क्यूमुलेटिव। ओके बेटा, रिडीमेबल, इररिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? जब कंपनी शेयर होल्डर से उनका पैसा लेकर कंपनी अपने धंधे में लगाती है और जब उनका टाइम पीरियड, जितने पीरियड के लिए अपन ने उन्हें इशू किया था, वो टाइम पीरियड क्या हो जाता है? एक्सपायर। तो उस टाइम पर कंपनी पैसे लिए हुए अमाउंट को वापस से पे करने का काम करती है। जब इशू करा था तो इसे इशू ऑफ शेयर्स कहा गया, जब रीपेमेंट कर रहे हैं तो इसे रिडम्पशन कहा जाता है। जिन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कंपनी के वाइंड अप होने से पहले हो जाएगा उन्हें कहते हैं रिडीमेबल। जिनका रिडम्पशन वाइंड अप की सिचुएशन में ही होगा उसे कहते हैं इररिडीमेबल। लेकिन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती जिसका कि टाइम फ्रेम 20 साल से ज्यादा का हो। मतलब आज 8 तारीख है, 1 अप्रैल 2010 से लेकर 20 साल जोड़ लीजिए, 31 मार्च 2030 तक कंपनी को ये पैसे उनको उस दिन रिफंड करने होंगे। इसका मतलब नो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड बाय द कंपनी। व्हाट विल द मैक्सिमम लाइफ? 20 years in case of preference shares, in case of debentures पढ़ेंगे ना, debentures में चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा? आगे अगर अपन discussion करें, redeemable जिनका redemption हो सकता है, जिनका नहीं हो सकता उसे क्या नाम बोलते हैं? Irredeemable। Convertible preference shares, non-convertible preference shares। Redemption के time पे company अगर उन्हें equity shares में convert करने का option दे रही है या उनके पास right है तो वो money लेने के बजाय उनसे preference shares के बजाय क्या ले सकते हैं? Equity shares। These will be called convertible preference shares. If they cannot be converted or the money will be refunded only, they are called non-convertible preference shares. बात समझ में आ गई क्या? और लास्ट में होता है participating, non-participating. कंपनी ने पहले पैसे किसको दे दिए? Preference shareholders को, dividend का। फिर पैसा किसको दे दिया? Equity. फिर भी कोई surplus money रह जाए कंपनी के पास, तो उस surplus money में भी अगर preference shareholders को कुछ proportionate value लेने का right हो तो उसे कौन से डिविडेंड का प्रेफरेंस का नाम दिया जाता है? पार्ट, दे कैन पार्टिसिपेट इन द सरप्लस मनी लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। अदरवाइज इफ दे हैव नो सच राइट दे विल बी कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। बेटा कोई डाउट आपको किसी को? होना भी नहीं था, सब आपको पढ़ा होगा। अब आती है किसकी बात? इक्विटी शेयर्स की। दोज हु आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स विल बी कॉल्ड इक्विटी, जिनको समानता का अधिकार है, सब इक्वल है, इक्वलिटी है, इक्वल से हिंदी में समता अंश बोलते हैं अगर आपने सुना होगा। इक्विटी शेयर्स को हम लोग कंपनी के रियल ओनर्स का नाम देते हैं बिकॉज दे हैव द वोटिंग राइट। कंपनी की एजीएम होगी ना तो कंपनी के एजेंडा जिसको लेकर कंपनी आगे बढ़ेगी या जो कंपनी को उस पर वोट करने का, वोटिंग कराएगी, तो उस मीटिंग में भले ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बैठे हैं लेकिन वोटिंग का राइट किसको होगा? इक्विटी शेयर। बचा कुचा किसको मिलता है? मालिक को इतना मिलता है। आज इंस्टीट्यूट के जो ओनर है उनको थोड़ी प्रॉफिट पहले जाएगा, बोले आप, बोले जो प्रॉफिट है पहले मैं अपनी जेब भरूंगा बाद में दूसरों को दूंगा, ऐसा नहीं होगा। पहले वो सारे खर्चे निकालेंगे, सबका पेमेंट करेंगे, फिर बचा कुचा, बचा तो उनका प्रॉफिट, नहीं बचा तो उनका लॉस। इसलिए कंपनी के रियल ओनर कौन होते हैं? बिकॉज दे रिसीव वॉट एवर लेफ्ट विद द कंपनी और दे हैव द वोटिंग राइट्स। एम आई क्लियर बच्चा? पक्की पक्की बात समझ आ गई? अब हम बात कर रहे थे कि जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है तो शेयर्स का इशू करते टाइम पे दो प्राइस होती है, एक होती है फेस वैल्यू, एक होती है इश्यू प्राइस। फर्स्ट बोलेंगे फेस वैल्यू, दूसरा इश्यू प्राइस। फेस वैल्यू मतलब कंपनी में जिस पर्सन के पास कंपनी के शेयर्स हैं तो भले ही उसका मार्केट प्राइस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब कंपनी क्या हो जाएगी? वाइंड अप। जब कंपनी क्या होगी? वाइंड अप। तो भले ही मार्केट में रेट कितना ही ज्यादा हो, उसका लीगल राइट तो क्या होगा? जितने रुपए का फेस वैल्यू है उतना ही उसे रिसीव हो सकता है या उसे भले ही कम रिसीव हो। मतलब मालिकाना हक आपको कितने का है? इतने रुपए। जैसे मान लीजिए मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्री के मान लो 1000 शेयर है,
मार्केट में रेट मान लीजिए उसके 24, मान लीजिए मार्केट में रेट 24 है, तो भले ही 24 लाख रुपए की कीमत हो गई, लेकिन मेरा कंपनी में मालिकाना अगर 2 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू है ना, तो मान लीजिए कि मेरे पास 1000 × 2 यानी 2000 रुपए का ही मैं उसमें मालिकाना हक रखता हूँ। ये तो मार्केट में रेट है, मैं इन शेयर को बेच के 24 लाख कमा सकता हूँ। लेकिन कंपनी अगर कल मुझे पैसे देगी 2000 रुपए, अगर कंपनी के पास सरप्लस मनी हुआ तो उसे ज्यादा देगी, वरना मिनिमम देने को कितना है 2, और कंपनी घाटे में चली गई थी मुझे वो भी नहीं मिली। Am I clear बेटा? Yes, sir. Issue price मतलब जितने में कंपनी पब्लिक को देकर पैसा उठाती है, उसे क्या नाम देते हैं? Issue price. कंपनी अपने शेयर्स को या तो फेस वैल्यू के बराबर प्राइस पे इशू करे, उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट पार, PAR, क्या बोलते हैं? पार। और जब वो उसे इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा रखती है तो उसे कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बात समझ में आ गई? कंपनी या तो सारा का सारा पैसा एक बार मंगवा लेती है, या फिर पैसा कंपनी इंस्टॉलमेंट में मंगवाती है। सबसे पहले क्या मिलता है कंपनी को? एप्लीकेशन मनी, फिर होता है अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड या फिर फाइनल कॉल। मोस्टली 4 किस्तों पैसा मंगवा लिया जाता है। चलिए, आपको अगर एंट्री याद है तो वो सीक्वेंस, पैसा मिलने की एंट्री सबसे पहले होता है एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट, कंपनी इस पैसे को किस में कन्वर्ट करती है? कैपिटल में, शेयर एप्लीकेशन। कंपनी अब किसका पैसा मांगेगी? शेयर अलॉटमेंट। कंपनी पैसा मांगती है फर्स्ट कॉल का, एक मिनट, पैसा मिलेगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट, शेयर। फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर। अंडरस्टूड? व्हाट इज 4 फीचर ऑफ शेयर्स? 4 फीचर। अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी का रीपेमेंट करने में कैपेबल, कंपनी का पैसा देने में कैपेबल नहीं है, या जितना उसे पैसा मांगा गया अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का, सेकेंड कॉल का, अगर वो पे नहीं कर सकता, तो कंपनी के पास राइट है कि वो उसके शेयर्स को भी फोरफिट कर लेगी, और जितना पैसा उसने कंपनी को दिया था वो भी पैसा कंपनी उसे लौटाएगी नहीं। इसे कहते हैं शेयर फोरफीचर। बेटा, शेयर के फोरफीचर की एंट्री आपको आती है ना? नहीं आती हो, भूल गए हो, तो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, आप मेरे को बताना सही है कि गलत। ठीक है, कंपनी उन शेयर्स, एक मिनट रुकिए, कंपनी अगर उन शेयर्स का फोरफीचर कर रही है जिनको किस पे इशू किया था? पार पे, तो एंट्री क्या होगी? और जिनको किस पे इशू किया था? प्रीमियम पे, तो क्या एंट्री होगी? हम डिस्कस करेंगे। अगर एट पार है तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा, यहाँ पे अमाउंट जो आएगी वो नंबर ऑफ शेयर्स, जितने शेयर्स को अपन ने क्या किया है फोरफिट, उतने शेयर्स को मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल? 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 7 रुपए मांगे और कंपनी को उसने पैसा नहीं दिया, कंपनी ने बोला ये 3 रुपए भी नहीं देगा, इसके शेयर क्या कर लो? फोरफीट कर लो। तो 1000 शेयर होंगे, मल्टीप्लाई 10 करूं या 7? बात समझ में आ गई? नाउ टू, या तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट, अगर आपने क्या ओपन किया हुआ है कॉल्स इन अरियर, तो फिर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉल्स इन अरियर। और अगर कंपनी ने क्या ओपन नहीं कर रखा, कॉल सिनेरियो नहीं ओपन कर रखा, तो टू शेयर एप्लीकेशन में, टू अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल और टू शेयर सेकंड, एंड अगर फाइनल कॉल, सेकंड फाइनल कॉल अपनी है अगर, तो एवरीबॉडी क्लियर? और इधर अगर कंपनी किस पर इशू कर रही है? प्रीमियम पे। तो सबसे पहले कुछ भी चेंज नहीं है सिवाय एक छोटी सी बात की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बैलेंसिंग फिगर कहां चला जाएगा? शेयर जो कमाई होगी कंपनी, इफ नॉट पेड, मतलब क्या जब भी कंपनी प्रीमियम पर इश्यू किए गए शेयर्स का फोरफीचर करेगी तो क्या हमेशा सिक्योरिटी में डेबिट होगा? अगर कंपनी को क्या नहीं मिला, प्रीमियम नहीं मिला, तो ही कंपनी क्या करेगी? वरना तो प्रीमियम पैसा बैंक में पहुंच चुका होगा। नाउ फिर टू कॉल्स इन अरियर या फिर टू शेयर अलॉटमेंट,
टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल एंड टू शेयर फोर फीचर. इजी है बेटा. व्हाट इज कॉल्स इन अरियर? पैसा मांगा नहीं मिला, उसे कहते हैं कॉल्स इन अरियर. व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? जब पैसा आपने एडवांस में नहीं, आपको पैसा एडवांस में मिल गया, आपने फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था, शेयर होल्डर ने बोला पैसे सेकंड कॉल का ले जाओ, उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस. अच्छा, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली क्या कंपनीज को कॉल्स इन अरियर पे इंटरेस्ट रिकवर करने का राइट है? तो अगर इंटरेस्ट लेगी तो पैसा जल्दी मिलने के कारण कंपनी को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना भी पड़ेगा. बता सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट अरियर पे तो है 10% पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस पे मतलब इंटरेस्ट लेती कम है कंपनी और इंटरेस्ट देती ज्यादा है. बात समझ में आ गई? अब अगर जैसे अपन लोग कॉल्स इन अरियर की बात करें, छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हुए हैं जिस पर कंपनी ने अलॉटमेंट का ₹3 मांगा. एंट्री बोलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितने रुपए हो गया? ओके बेटा, एक शेयर होल्डर जिसके पास कंपनी के 500 शेयर्स थे उसने कंपनी को पैसा नहीं दिया. नाउ कंपनी हैज टू ऑप्शन. अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कंपनी ओपन्स कॉल्स इन अरियर अकाउंट, तो फिर एंट्री क्या होगी? पहले तो अपन एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट. अच्छा, कितने नंबर ऑफ शेयर पे पैसा नहीं आया? 500 शेयर. तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 1500 नहीं आया बेटा, जबकि आने कितने चाहिए थे? 30,000. तो कंपनी के पास डेफिनेटली 28,500 का मनी आ गया होगा बेटा. ये तो एंट्री होगी कॉल्स इन अरियर जब अकाउंट ओपन होता है. एम आई क्लियर? लेकिन अगर कंपनी क्या ओपन नहीं करती, तो फिर कंपनी के बुक्स में एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, नॉट कैपिटल बेटा, टू शेयर अलॉटमेंट. अच्छा, आप दोनों में डिफरेंस बताइएगा, बेसिक डिफरेंस बताइएगा. जब कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन होता है तो जितनी भी कॉल मनी होती है ना, उनके अकाउंट क्लोज हो जाते हैं. डेबिट कितना था, क्रेडिट कितना हो गया, अकाउंट क्लोज. उधर डेबिट कितना था, उधर क्रेडिट कितना है. बात समझ में? तो मैं आपसे यही बोल रहा था कि जब कंपनी फोरफीचर का काम करेगी, अगर कंपनी ने क्या ओपन कर रखा है, तो फिर एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर टू शेयर फोरफीचर. अलॉटमेंट वगैरह नहीं आएगा, क्योंकि जो अलॉटमेंट आपने डेबिट कितने से किया है, आप उतने से ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो कि नहीं कर रहे? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? लेकिन अगर कंपनी ने क्या ओपन नहीं कर रहा, तो कंपनी क्या करेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, और अगर और भी कुछ है तो बनना टू शेयर फोरफीचर. आपने अलॉटमेंट डेबिट कितना किया था, क्रेडिट कितना किया था, देन नो कॉल्स इन नो शेयर अलॉटमेंट. नाउ आपने डेबिट कितना किया था, क्रेडिट कितना किया था, तो जितने से आपका बाकी था अलॉटमेंट उतने से क्रेडिट करना पड़ेगा. आपने कॉल्स इन अरियर को डेबिट कितने से कर रखा था, तो यहाँ पर आपने उसे क्या कर दिया, क्लोज हो गया कि नहीं? बात समझ में आ गई? This was the forfeiture. Easy है एकदम. What is reissue of shares? अच्छा, क्या कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? रीइशू नहीं बेटा, नॉर्मली बात करते हैं. कंपनी कैन नॉट इशू इट शेयर्स एट डिस्काउंट व्हेन कंपनी गो फॉर द पब्लिक ऑफर. हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो, राइट शेयर्स हो, या फिर कोई और किस तरह का अलॉटमेंट लेकर आएगी, तो शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू किया जाए. आपने ईस्टॉक का नाम सुना होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन. अच्छा, रीइशू करने पर बैंक में पैसा आता है कंपनी के पास? एंट्री होती है बार पर अगर इशू किया तो. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये कब एंट्री होगी? जब कंपनी किस पर इशू कर रही है, एंड बार. लेकिन अगर कंपनी किस पर इशू कर रही है, प्रीमियम. शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज. अच्छा, आपने 12th में सिक्योरिटी में रिजर्व पढ़ा होगा, क्या पता आईसीए मॉडल में रिजर्व नहीं बोला गया, केवल क्या बोला गया, सिक्योरिटी. रिजर्व लिखे आएंगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, ध्यान रखिए. लेकिन बोला क्या क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम.
और अगर किस पे इशू करती है डिस्काउंट एंट्री होगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. ये फोर फीचर क्या है बेटा? जो कंपनी ने डिस्काउंट उठाया वो कंपनी के लिए कैपिटल लॉस हुआ बेटा. कंपनी इस तरह के कैपिटल लॉस को जो शेयर फोर फीचर का कैपिटल प्रॉफिट था वहां से चार्ज कर सकती. और आफ्टर फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या कंपनी इस फोर फीचर अकाउंट के बैलेंस को कहां ट्रांसफर कर देती है? कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व. बिकॉज दिस इज अ कैपिटल प्रॉफिट इट विल गो टू द कैपिटल रिजर्व. ठीक है बेटा? यस सर. बेसिक बातें आपको पूरी हो 12th क्लास की बातें याद आ गई. एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन. और चैप्टर जो है बेसिकली वो ओवर सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड है. अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब 1,00,000 शेयर इशू किए 95,000 एप्लीकेशन आए, तो इसे कहते हैं शेयर इज अंडर सब्सक्राइब्ड बाय 5,000 शेयर. तो एप्लीकेशन भी कितने शेयर्स पे आएगा? 95. अलॉटमेंट भी किस पे करेंगे? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा भी मांगेंगे और रिसीव भी कितने पर होगा? 95. बात समझ में आ गई बेटा? लेकिन अगर कंपनी बहुत ही वेल मैनेज्ड है, वेल नोन कंपनी है, उसकी गुडविल है उस कंपनी की, अगर तो कंपनी को क्या मिलता है? ओवर सब्सक्रिप्शन. कंपनी को अच्छे खासे सब्सक्रिप्शन मिलता है, कंपनी को अच्छा सब्सक्रिप्शन आता है. वैसे कंपनी कंडीशन में 5 गुना सब्सक्रिप्शन आया, 10 गुना सब्सक्रिप्शन आया, तो कंपनी क्या सभी अलॉट एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर पाती है क्या? इसलिए कंपनी को कुछ प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट. कैसे? मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किए 50,000 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स इशू हुआ 50. मान लो एप्लीकेशन कंपनी को रिसीव हुई है, तो कंपनी क्या करेगी? हो सकता है कि 80 में से 10,000 को तो क्या कर दे? रिजेक्ट. और उनका पैसा फुल्ली क्या हो जाएगा? पूरा पैसा नहीं पड़ता. अब कितना पैसा बचा? 70,000 वालों को कंपनी क्या कर देगी? प्रोराटा अलॉटमेंट. कोई भी रेशियो क्यों ना बना ले, 7 के बदले 5. जिसने 7 शेयर मांगे उसको कितने देंगे? 70 मांगे उसको 50, 140 मांगे उसको 100. बात समझ में आ रही? इसे क्या बोलते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट. ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप घर पे बैठकर अपने आप ट्राई करेंगे. पहले बार सुन लो, लिखने से पहले सुन लो. इस क्वेश्चन को लिखवाने का पहला मेरा पर्पस क्या है? दिस इज अ कंप्लीट क्वेश्चन, अ वेरी मच कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन. मैं आपको इस क्वेश्चन में इशू ऑफ शेयर्स की सारी एंट्री भी लिखवाने वाला हूँ, फोर फीचर भी होने वाला है, प्रोराटा अलॉटमेंट भी है, और री इशू भी है, और प्रोपोर्शनेट री इशू. आखिरी के जहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते थे ना, फलाने आदमी कितने शेयर, फलाने आदमी कितने शेयर, सारे री इशू कर रही है, इसमें से इतने शेयर री इशू के उसके सारे शामिल है, याद आया? ये क्वेश्चन कर देने से, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो मेरे साथ, घर से नहीं, घर से कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरे साथ आपने करा और आपको समझ में आ गया, I will say, एग्जाम में इससे बेटर क्वेश्चन नहीं आएगा. समझ में आ गई मेरी? लिखना शुरू कीजिए. अ कंपनी इशूड, अ कंपनी इशूड 1,00,000 शेयर्स, अ कंपनी इशूड 1,00,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, of ₹10 each at the rate 10% premium, at the rate 10% premium. Okay, on application ₹2. आपको मैं प्रीमियम कितना परसेंट मिलवाया बेटा? इसको 20% कर लो, 10 की बजाय 20%. ऑन एप्लीकेशन ₹2, ऑन अलॉटमेंट ₹5, ऑन अलॉटमेंट ₹5, ऑन फर्स्ट कॉल ₹2, एंड ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹3. अच्छा, ₹10 तो कौन सी वैल्यू थी? फेस वैल्यू. ₹10 का 20% बोलिए, ₹2. तो 10+2 कंपनी को ₹12 रिसीव होने चाहिए. देखो एप्लीकेशन पे कितना मिला है? 2.
अलॉटमेंट पे 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, फर्स्ट कॉल पे देखिए 2, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9, फाइनल कॉल पे कितना मिला 3, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12। कहीं पर भी मैंने क्वेश्चन में लिखा कि प्रीमियम कहां मांगा गया है? इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वी ऑलवेज अज्यूम ऑन अलॉटमेंट। ठीक है बेटा, लिखो नेक्स्ट लाइन से। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 30,000 applications, 30,000 applications were immediately rejected, and their application money was refunded. Remaining applications, बेटा 120,000 की application बची होंगी। Remaining applications were allotted shares on pro rata basis, मतलब क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, प्रो राटा बेसिस, फुल स्टॉप, मतलब 120,000 के एप्लीकेशन को कंपनी ने 100,000 शेयर्स में बांट दिया होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा जाता कि जो प्रो राटा अलॉटमेंट हुआ होगा तो 120,000 एप्लीकेशन के बदले अलॉटमेंट तो खाली 100,000 शेयर्स का हुआ है, तो जो एक्सेसिव 20,000 की एप्लीकेशन आई होगी 2 रुपए के हिसाब से 40,000, कंपनी ने उसका क्या किया होगा? या तो कंपनी रिफंड करी होगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जाए कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंड किया है कि नहीं किया, तो उसे फर्दर कॉल यानी अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे राहुल कॉमा एन एप्लीकेंट, मतलब मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, 15-20 क्वेश्चन करने की, एक ही क्वेश्चन में सब बातें रिकॉल हो जाएंगी, फिर अपन को सिर्फ इलस्ट्रेशन सॉल्व करनी है। अपन को मतलब देखो, राहुल एन एप्लीकेंट ऑफ 6,000 शेयर्स, ऐसे नहीं बेटा, 3-4 इलस्ट्रेशन तो मैं कराऊंगा आपको, ऐसा नहीं। एन एप्लीकेंट राहुल एन एप्लीकेंट ऑफ 6,000 शेयर कुड नॉट पे, बेटा कोर्स बहुत बड़ा है अकाउंटेंसी का, बहुत एक्सट्रीम बड़ा है, चल ही जा रहा है। अगर मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, एग्जाम नजदीक होंगे, कोर्स खत्म नहीं होगा, मानते हो ना आप लोग? और मैंने शायद आपको होमवर्क में, मैं बार बार ये बात बोला हूं, आज तक मैंने एक क्वेश्चन ऐसा होमवर्क में नहीं दिया जो आप लोग नहीं कर सकते, कुछ तो फायदा उठा ही सकता आप लोगों का, और आप लोग फायदा उठा सकते हो अपने आप का, क्योंकि आपको आते हैं क्वेश्चन। लिखो राहुल एन एप्लीकेंट ऑफ 6,000 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अब देखो मैं क्या बोलने वाला, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। कंपनी ने उसे क्या नहीं मांगा है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। राहुल एन एप्लीकेंट ऑफ 6,000 शेयर कुड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल and his shares were forfeited. Next line से लिखो, अजय, a shareholder of, कुछ डिफरेंस समझ आया? ऊपर मैं राहुल को एप्लीकेंट बनाया है 6,000 का, यहाँ पे सीधे सीधे अलॉटेड बता दिया। अजय a shareholder of 3,000 shares failed to pay first and second and final call, first and
सेकेंड एंड फाइनल कॉल, मतलब उसने फर्स्ट कॉल का ही पैसा नहीं दिया और सेकेंड कॉल का ही पैसा नहीं दिया. एंड हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड बाय कंपनी. एंड हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड बाय कंपनी. फुल स्टॉप. ओके बेटा, नेक्स्ट लाइन से लिखो. ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, ऐसा लग रहा है क्लास 12 चल रही है. Of the forfeited shares, 5,500 of the forfeited shares, 5,500 shares were reissued at the rate rupees 9 per share. क्या कंपनी 1 रुपए का डिस्काउंट दे रही है बेटा? At the rate rupees 9 per share, including all the shares of Ajay, including all the shares of Ajay, full stop. Give the necessary journal entries along with necessary working notes. क्या कहते हो बेटा? पूरी कंपनी कवर हो जाएगी इस क्वेश्चन के लिए? ओके बेटे, ये क्वेश्चन आपको सब बच्चों को घर से करके लेकर आना है. आपको आता है बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं आता तो जो भी आता है वो आप करके लेकर आना. कल इस क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व कर लूंगा, ठीक है बेटा? आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, मान लीजिए अपने से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अलावा, इस क्वेश्चन के कंपेरिजन में और कोई क्वेश्चन मॉड्यूल में है ही नहीं, समझ लीजिएगा. मैंने पहले भी कहा था बहुत आसान है कंपनी का, बट नाउ बचे हुए टाइम में हम करेंगे क्या? एक कॉल्स इन एडवांस और एक कॉल्स इन अरियर वाला क्वेश्चन करेंगे, जिसमें अपने को इंटरेस्ट लेना भी होगा और इंटरेस्ट देना भी होगा. रेडी बेटा? देखो, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 9 इलस्ट्रेशन, पेज नंबर है 10.40. अच्छा, कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं एक क्वेश्चन कल वाला करवा दूंगा ना बेटा, आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा. याद है आप लोगों को बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनती है? तो पहले 5-7 मिनट अपन उसका एनालिसिस करेंगे कि बैलेंस शीट बनती कैसे, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाने का तरीका. इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखिए. रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार, हाउ मेनी शेयर्स बेटे? 1 lakh ऑफ रुपीज 10 ईच, 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल. All the shares were fully subscribed. Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first call itself. 10,000 share पे first call के time पे first call का तो पैसा आया ही आया, साथ ही साथ second call का पैसा भी आ गया. The final call, which was made after how many months? 3 months from the first call, was fully paid. First call क्या हो गई बेटा? Fully? Second call fully क्या हो गई? Paid हो गई. Except a shareholder having 1,000 shares, who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in area. Company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair. Give journal entry to record this transaction. फाइनली में क्या है? First call के time पे तो क्या आ गया? Calls in advance. और second call के time पे आ गया calls in area. First call का पैसा second call से 3 महीने पहले मिल गया. Second call का पैसा जो था तो सेकेंड कॉल से 3 महीने पहले मिल गया, तो 3 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और फाइनल कॉल का पैसा जो अपने को नहीं मिला था, वो कितने महीने बाद मिला? 2 महीने बाद. तो कॉल्स इन अरियर पे तो हम इंटरेस्ट देंगे कितने मंथ्स का? 2 मंथ्स का लेंगे. कॉल्स इन अरियर पे 2 महीने का, और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देंगे 3 मंथ्स का. आर यू रेडी? चलो सबसे पहले तो एंट्री बोलिए, ये अपना एक रिविजन भी हो जाएगा क्वेश्चन का. इलस्ट्रेशन नंबर 9. निकलो कंपनी अकाउंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 9. बाकी के बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत ही छोटे भाई. जैसे आप 12th क्लास में पढ़े थे, तो पहली बार आपको 12th पढ़ाई गई, तो 2 एंट्री आपसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट की सिखाई गई होगी, उसका एक इलस्ट्रेशन आता था. फिर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया 4 फीचर का, तो 2-3 एंट्री 4 फीचर की सिखाई गई. फिर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया री इशू का, फिर आपको री इशू की, ऐसे 1 से लेकर 8-9 तक इलस्ट्रेशन, छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है. आप लोग बुक में पढ़ के भी कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा. लेकिन हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेकर 15 नंबर इलस्ट्रेशन, 16 एक्चुअली,
4 फीचर के हैं, रीशू के हैं, जिसमें कल इलस्ट्रेशन नंबर 15 मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9, सबसे पहली एंट्री कंपनी को किस चीज का पैसा मिलने की हुई होगी, लिखते जाओ बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे मिला, 1,00,000 शेयर्स पे, 1,00,000 शेयर पे 2.5 रुपए, कितना आ गया, 2,50,000। इक्विटी शेयर इशू किए टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपए हो गया, 2,50,000। थर्ड एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्या क्वेश्चन है, प्रीमियम था बेटा कहीं पे भी, नो, अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 3 रुपीज, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना रुपए हो गया ये, 3,00,000। पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना रुपए हो गया, 3,00,000। ओके, फर्स्ट कॉल की एंट्री बोलिए क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना रुपए है फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए, पहले यहां तक सब बच्चे नोट कर लो, मेरे साथ ही कर लिया हो। कंपनी को फर्स्ट कॉल के साथ साथ कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे एडवांस मनी आया, 10,000 शेयर पे एडवांस आ गया क्या, सबसे पहले पैसे आने की जो एंट्री होगी उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू, बोलो जरा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, क्या इसी के साथ साथ कॉल्स इन एडवांस भी आया होगा, अच्छा पहले तो एडवांस बताओ कितना आया, 10,000 शेयर पे सेकेंड कॉल मनी का पैसा आ गया, 2.5 रुपए किस पे मांगे थे कंपनी, एप्लीकेशन पे, 3 रुपए कंपनी का मांगे थे अलॉटमेंट, 5.5 रुपए हो गए, प्लस 2 रुपए का मांगे फर्स्ट कॉल, 7.5 हो गया, 10 में से 7.5 गया, 2 रुपए 50 पैसे बचा बेटा, तो कितना आया, 10,000 शेयर पे 25,000 रुपए तो आ गया एडवांस, और फर्स्ट कॉल कितने का था, 2 रुपए के हिसाब से 2,00,000 रुपए आ गया, 2,25,000। पहले यस नो बोलो, क्या है पॉइंट सामने आ गए बिग वैल्यूज। अब हम किसकी एंट्री पास करेंगे, सेकेंड कॉल को डिमांड करने की एंट्री पास करेंगे, सेकेंड कॉल मांगी जा रही है शेयर सेकेंड एंड फाइनल इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ जी, 2.50 रुपए के हिसाब से 1,00,000 शेयर्स पे कितना रुपए, 2,50,000, सही बोल रहा हूँ मैं, अच्छा ये बताओ नायर जिसने कंपनी को क्या दे दिया था, मेरा पैसा एडवांस में दिया, क्या वो कंपनी को वापस से पैसे देगा, तो ये बात तो तय होगी कि 2,50,000 में से कम 25,000 रुपए तो जो नायर ने एडवांस दे दिए थे वो तो नहीं आने वाले, क्या 2,50,000 में से 25,000 रुपए लेस करने पर 225 आएगा बेटा, इसके अलावा एक पर्सन जिसके पास कितने शेयर थे, 1,000, उसने भी 2.50 रुपए यानी 2,500 रुपए का पेमेंट हमें नहीं किया, यानी वो कॉल से नरियर हो गया बेटा, एंट्री बोले पैसे आने की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल से अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, 2,50,000 डेबिट था, 2,50,000 क्रेडिट हो जाएगा बेटा, कॉल से एडवांस के तो कितने नहीं मिलेंगे, 25,000, और 2,500 किसके नहीं मिलेंगे, फटाफट कॉल से अरियर की, तो क्या आपने को 2,22,500 रुपए का पेमेंट करना मिला होगा, यहां तक बताना कि एंट्री समझ में आ गई,
अब मुझे ये बताइए, क्या कंपनी को कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना कैसे? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, पहले तो ये बताओ टोटल मनी एडवांस में रिसीव कितना हुआ? क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है? तो अपन क्या मान लेंगे बेटा, 12%। मिलना कब चाहिए था? फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद मिलना चाहिए था, लेकिन बोल रहा ना सेकंड कॉल वाज डिमांडेड आफ्टर 3 months, है ना? तो 3 महीने पहले पैसा मिल गया अपने को, मल्टीप्लाई बाय 3/12, बोलिए 750 रुपए। 750 रुपए कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा? ओके, अब आपको एंट्री मुझे बतानी है, इंटरेस्ट कंपनी दे रही है या ले रही है? दे रही है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता है, तो कंपनी के लिए इनकम हुई कि एक्सपेंस हुआ? तो बेटा एक्सपेंस की एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कंपनी पैसा किसको देगी? तो जो शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, उसका अकाउंट हम क्रिएट कर देंगे बेटा। कितने रुपए से? 7। और जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का पेमेंट हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपीज? 7। एम आई राइट बेटा? दोबारा एंट्री बनाइए। कंपनी के लिए क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ है, इसलिए एक्सपेंस अकाउंट क्या होते हैं? डेबिट। एंट्री बोलो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, या और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ में आ गई? अब कंपनी को इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर भी चार्ज करना है। फर्स्ट कॉल, सॉरी सेकेंड कॉल का पैसा जिस दिन मिला उसके 2 महीने के बाद में उसने पैसे दिए हैं क्या? तो नाउ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर 2500 पे बेटा का कितना परसेंट? कितने महीने का? 2 महीने। तो राउंड ऑफ करके 42 रुपीज कर लू बेटा, 41 रुपए 67 पैसे या 66 पैसे की बजाय राउंड ऑफ करके 42 लिख लू ना। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी ले रही है या कंपनी पे कर रही है? ले रही है। कंपनी इज अर्निंग इंटरेस्ट, कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुई? इनकम। ये पैसा किससे लेगी वो? तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर कितना रुपीज? 42। सही बोला ना? एक बार क्वेश्चन के लास्ट टाइम पढ़ो, लास्ट कंपनी पेड इससे ऊपर वाली पढ़ो एक बार। आफ्टर 2 months अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, उसने क्या बोला? जो शेयर होल्डर ने 2 महीने बाद में इंटरेस्ट के साथ साथ अपना जो बाकी का पैसा था वो भी दे दिया। देखो कितना पैसा बाकी था, तो कंपनी को 2500 तो कॉल्स इन अरियर के मिले होंगे और 42 रुपए किसके मिले होंगे? इंटरेस्ट के, यानी 2542 रुपए मिला होगा बेटा। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 2542 टू इक्विटी शेयर होल्डर 42 और टू कॉल्स इन अरियर 2000। आई के बाद समझ? Yes, बेटा जैसे मैंने कहा था आपको कि इलस्ट्रेशन नंबर एक बार वन पे आइए, अपने को फर्स्ट इलस्ट्रेशन के लास्ट में पेज नंबर है 10.20। मैं हर इलस्ट्रेशन एक बार आपको बता देता हूं कि आपको इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। पेज नंबर 10.20, कैन यू सी इलस्ट्रेशन नंबर 1? लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन क्या बोला है?
जब मैं कल आपको ये जो दिया हुआ क्वेश्चन जब मैं क्लास में कराऊंगा तो उसकी क्या सिखाऊंगा, बैलेंस शीट। आप फर्स्ट इलस्ट्रेशन की बैलेंस शीट बनाने में एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। जरा सेकंड इलस्ट्रेशन देखिएगा, सेकंड इलस्ट्रेशन, छोटा सा इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं बेटे, देख कर सकते हो ना आप लोग, बुक में ही कर लेंगे, कॉपी में करने की जरूरत ही नहीं है। यू विल रीड द क्वेश्चन, यू विल मेक योर आंसर एंड प्लीज चेक इन द बुक, आपका आंसर मैच है, मतलब आपको आता है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखें। अप्रैल 1 को इतने शेयर इशू किए थे, इतनी एप्लीकेशन पे इतना पैसा आया, क्या मांगनी है आपको, एंट्रीज। वर्बली चेक कीजिएगा, मॉड्यूल में चेक कीजिएगा, ठीक है बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4 से पहले, ठीक पहले वाले पेज पे आपको हेडिंग दिख रही है, ओवर सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा था जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं फिर उसके इलस्ट्रेशन दे दिए जाते हैं, छोटे छोटे इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद में नीचे देखो 5, क्या बनाने को बोल रहा है, कैश। ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट इतना मिला, बैलेंस अमाउंट इतने पे मिला, एंट्री मांगनी है अपने को। इलस्ट्रेशन नंबर 6 आपको समझ में आया बेटा? हाँ, 7 मैं कराऊंगा, हालांकि 7 आप कर सकते हो क्योंकि 7 इलस्ट्रेशन की आपने वो बनाई थी, कुछ आप एक टेबल बनाया करते थे बड़ी सारी, वैसा ही है, लेकिन ये मैं सिखाऊंगा, भले ही आपको आता हो लेकिन हम कल क्लास में डिस्कस करेंगे। 7th मेरे जिम में छोड़ दीजिए। अब इलस्ट्रेशन नंबर 8 पढ़ो पहले, कितना मोटा ताजा क्वेश्चन है, पढ़ लोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 9 मैं करवा दिया। अब है इलस्ट्रेशन नंबर 10 से 4 फीचर, तो 10, 11, 12, 13, 14 आप खुद करेंगे, 15 मैं कराऊंगा क्योंकि 10, 11, 14, 15 छोटे छोटे 4 फीचर वाले क्वेश्चन है, 15 मैं कराऊंगा आप लोगों को, बस बातों में चक्कर क्या हो जाएगा, फिनिश। लेकिन कल का जो अपन क्वेश्चन करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सही क्वेश्चन करके लेकर आओगे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन आपको लिखवा रहा था 12th क्लास में आपने इस तरह के शायद 10-15 क्वेश्चन तो किए ही होंगे, मोस्ट प्रोबेबली आप कर ही लाओगे, लेकिन फिर भी जिसको आता है वो भी एक बार देख लेगा और जिसको नहीं आता वो भी देख लेगा, और अपनी गलतियों को आप ढूंढना कि हमसे गलती कहाँ हो रही थी। मैं बता देता हूँ गलती कहाँ होगी, सेकेंड कॉल का पैसा मांगोगे तब अगर ध्यान नहीं रहा तो, और जो कैपिटल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करते हैं वो, अगर आपसे वो गलती नहीं हुई तो समझ लो आप किसी भी तरह क्वेश्चन कर सकते हैं, हो जाएगी, मैं चाहूंगा कि आपसे गलती हो जाए। मैं कल जब क्वेश्चन को देखें तो उसे आंखें खुली रहें, ठीक है ना, चलो मिलते हैं कल, ठीक है। देख लिया आपके फाउंडेशन की कंपनी का लेवल, 12 से तो बहुत कम है बेटा, क्या बेटा, हाँ हाँ नहीं बोले तो बेटा